नमस्कार। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी माँ अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर उस छोटे से शहर में लाल बहादुर शास्त्री की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल बीता। उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सके। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूरी नंगे पाँव से ही तय कर विद्यालय जाते थे। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थी तब भी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री विदेशी दासता से आजादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। वे भारत के ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया था। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 16 वर्ष के, उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया था। उनके इस निर्णय से उनकी मां की उम्मीद तोड़ दी। उनके परिवार ने उनके इस निर्णय को गलत बताते हुए उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे इसमें असफल रहे। लाल बहादुर ने अपना मन बना लिया। उनके सभी करीबी लोगों को यह पता था कि एक बार मन बना लेने के बाद वे अपना निर्णय कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि बाहर से विनम्र दिखने वाले लाल बहादुर अंदर से चट्टान की तरह दृढ़। लाल बहादुर शास्त्री ब्रिटिश शासन की अवज्ञा से स्थापित किए गए कई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। यहाँ वे महान विद्वानों एवं देश के राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। विद्यापीठ द्वारा उन्हें प्रदत्त स्नातक की डिग्री का नाम शास्त्री था, लेकिन लोगों के दिमाग में यह उनके नाम के एक भाग के रूप में बस गया। 1927 ईस्वी में उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी ललिता देवी मिर्जापुर से थी, जो उनके अपने शहर के पास ही। उनकी शादी सभी जगह से पारंपरिक थी। दहेज के नाम पर एक चरखा एवं हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े वे दहेज के रूप में, इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहते। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा, इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला। लाल बहादुर शास्त्री विवल ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया एवं कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में रहे। आजादी के इस संघर्ष ने उन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया। आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत एवं नम्र लाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ चुके थे। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो उस छोटे से डायनमो को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता और उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में एक लोकोक्ति बन गई। वे 1951 में नई दिल्ली आ गए और केंद्र मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला। रेल मंत्री, परिवहन और संचार मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री रहे। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोग मारे गए थे के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए
उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देश और संसद ने इसके इस अभूतपूर्व पहल को काफी सराहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री की ईमानदारी एवं उच्च आदर्श की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया कि वे कुछ हुए तो हुआ वे उनके लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि इसलिए स्वीकार किया कि क्योंकि उसमें संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी। रेल दुर्घटना पर लंबी बहस का जवाब देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, शायद मेरे लंबाई में छोटे होने और नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूँ। यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूँ। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी वे कांग्रेस पार्टी में संबंधित मामलों को देखते रहे एवं उनसे अपना भरपूर योगदान दिया। 1952, 1957 और 1962 के आम चुनाव में पार्टी की निर्णायक जबरदस्त सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा एवं चीजों को नजदीक से परखने की उन्होंने अद्भुत क्षमता का बड़ा योगदान था। 30 से अधिक वर्षों तक अपने समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपने उदात्त निष्ठा और क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु और जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वे दूरदर्शी थे जो देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान, महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ पहचान है।